भाई अब उधारी में जो है नेटफ्लिक्स का पासवर्ड कोई भी दोस्त आपसे नहीं मांग सकेगा, क्योंकि इंडिया में जो है इसका पासवर्ड शेयरिंग का ऑप्शन है वो बंद किया जा रहा है। वैसे भी पासवर्ड शेयरिंग का ऑप्शन कोई लीगल नहीं था, नेटफ्लिक्स ने कोई भी ऑफिशियली नहीं बोला था कि आप पासवर्ड एक डिवाइस से ज्यादा डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स के CEO टेड सारांडोस ने ऑफिशियली कह दिया है कि हम इंडिया में जो है इसे बंद करने वाले हैं। ट्रैक किया जाएगा कौन सा यूजर जो है वो ये पासवर्ड शेयरिंग कर रहा है और उसको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। पेरू, चिली और कोस्टा रिका में ऑलरेडी नेटफ्लिक्स जो है इस पे वर्क कर रहा है, टेस्टिंग चल रही है, और कोई भी यूजर वहां पे अगर एक्स्ट्रा पासवर्ड मतलब कि कोई भी पासवर्ड अगर शेयर करता है किसी को तो उसको 200 से 250 रुपए का चार्ज जो है वो लगाया जाता है। इंडिया में कितना चार्ज लगाया जाएगा अभी तक इसका कोई भी जानकारी जो है नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली नहीं दी है, लेकिन यहाँ भी हो सकता है 250 से 300 रुपए का चार्ज आपके बिल में ऐड कर दिया जाए अगर आप अपना पासवर्ड जो है किसी और को शेयर करते हैं। अब ये नेटफ्लिक्स क्यों कर रहा है, पिछले साल नेटफ्लिक्स का काफ़ी नुकसान हुआ था, जहाँ पे उसके 4 सब्सक्राइबर होते थे वहीं पे 1 ही सब्सक्राइबर जो था वो अपना पासवर्ड शेयर करके उन तीनों को भी बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा था। अब इसकी वजह से हो सकता है नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर जो है वो इंडिया में बढ़ जाएं, क्योंकि वो चीज़ है ना, एक बार अगर आपको नेटफ्लिक्स के कॉन्टेंट की लत लग जाती है तो आप फिर सोचोगे कि चलो ठीक है हम पे कर देते हैं। लेकिन अभी भी अमाउंट जो है नेटफ्लिक्स का प्लान जो है वो काफ़ी महंगे हैं, प्राइम के मुकाबले देखें या फिर कोई और चैनल के सब्सक्रिप्शन के मुकाबले देखें तो नेटफ्लिक्स के प्लान काफ़ी महंगे हैं। नॉर्मली इसीलिए लोग अवॉइड करते हैं इसको और एक दूसरे से पासवर्ड शेयर करके काम चलाते हैं। अब चलिए प्लान पे नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कि अगर आपको एक से ज़्यादा डिवाइसेस पे नेटफ्लिक्स देखना है तो उसके लिए कितना चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मंथली प्लान है, हर मंथ आपको इसका पेमेंट करना पड़ता है। सबसे पहला प्लान है मोबाइल का, ये 149 रुपीज़ का है और इसमें रेजोल्यूशन जो है 480p का मिलता है आपको। ये सिर्फ आप मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर किसी और डिवाइस में यूज़ करेंगे तो ये प्लान वर्क नहीं करेगा, आपका कॉन्टेंट नहीं चलेगा। इसमें आप एक फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, एक टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। और फिर दूसरा प्लान है हमारा बेसिक प्लान, ये 199 रुपए का है, इसमें वीडियो क्वालिटी 72 पिक्सल तक मिलती है और इसे फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट में यूज़ कर सकते हैं और कंप्यूटर में यूज़ सकते हैं और टीवी में यूज़ कर सकते हैं, इन डिवाइसेस पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वहीं ज़्यादातर लोग जो है स्टैंडर्ड प्लान लेते हैं, जो हमारा तीसरा प्लान है, ये 499 रुपए में है, इसमें आपको फुल HD की क्वालिटी मिलती है। अब अगर आपके पास फुल HD TV है और उसमें अगर आप प्लान ले रहे हैं ये 199 वाला, तो आपको फुल HD का कंटेंट ही नहीं मिलेगा, तो ये बेसिक वाला प्लान लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। सबसे पॉपुलर जो लोग लेते हैं वो स्टैंडर्ड ही ले लेते हैं। इसमें आप फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट में यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर और टीवी में, इन सब में आप फुल HD कॉन्टेंट यूज़ कर पाएंगे। और प्रीमियम प्लान इनका सबसे महंगा है, 649 रुपीज़ का है, जिसमें आपकी वीडियो क्वालिटी जो है वो 4K+ HDR मिलती है। 4K कंटेंट भी नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, लेकिन इंडियन कंटेंट काफ़ी कम है जो 4K में अवेलेबल है, तो ये थोड़ा सा में भी बहुत ज़्यादा जो बाहर का कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो लोग ये प्लान लेते हैं, जिसमें फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर, टीवी ये सारा इंक्लूड है। मतलब कुल मिला के ये है कि 649 रुपीज़ भी अगर आप पे करते हैं मंथली, तो बाकी सब सब्सक्रिप्शन OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन प्लान के मुकाबले काफ़ी महंगा पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं। और होता क्या है कि एक बार एक ने प्लान लिया, उसी का पासवर्ड वो उसी जगह शेयर कर देते हैं। अब नेटफ्लिक्स ट्रैक कैसे करेगा ये कि किसने पासवर्ड शेयर किया है कि नहीं करेगा, इसके लिए वो क्या करेगा, डिवाइस ID और IP एड्रेस जो है उसकी हेल्प लेगा, उनकी मदद से वो ट्रैक करेगा कि इस डिवाइस ID में नेटफ्लिक्स देखा जा रहा है, इसके बाद पता चला कि वो किसी दूसरे स्टेट में जाके किसी और ने खोल लिया, तो इस तरीके से वो एक कैलकुलेशन लगा के वो निकालेगा कि भाई ये जो अकाउंट है इसके पासवर्ड जो है वो शेयर किए गए हैं और उसमें वो एक्स्ट्रा चार्ज लगा देगा। तो ये थी एक नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट खबर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेकमास्टर जी को फॉलो करना मत भूलिए।